क्या क्या फायदे हैं और सही फास्टिंग का, व्रत रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, फास्टिंग के दौरान जिनको कफ, कोल्ड और जोड़ों में दर्द है उनको गर्म पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी उपवास के दरमियान भी जरूर पीना चाहिए। जो चाहते हैं कि शरीर का पूरा शुद्धिकरण हो जाए तो उनको 24 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया है। इस ये तो जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, ये सबसे अच्छी है। इससे ऑटोफैजी प्रोसेस अच्छा होने से तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होगा। तो यदि पूरे दिन कुछ ना खाएं तो अपने आप ही थक करके नींद भी आ जाएगी, अगले दिन ही फिर सुबह खाएं, या सुबह थोड़ा सा लौकी खा ली, लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और अगले दिन फिर सुबह खाएं, दिन भर कुछ ना खाएं। जिनको एसिडिटी हो जाती है तो मैंने कहा सौंफ का पानी आदि पी सकते हैं, या लेमन का, लेमन हनी वाटर ले सकते हैं, या उसमें मेथी का पानी थोड़ा ले सकते हैं। तो उपवास जो है वो मेडिकेटेड उपवास, जैसे हम मेडिकेटेड जो है बात बता रहे थे, ऐसी मेडिकेटेड उपवास सबसे अच्छा है, क्योंकि उपवास अनाड़ीपने से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, उपवास अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। छोटे बच्चों को, बीमारों को उपवास नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो और स्वामी जी, चूंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है, तन मन प्राण आत्मा पवित्र हो जाए। बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा है इसलिए ये बात बहुत जरूरी थी। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं तो बहुत सारे लोग इस पूरे महीने में सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते हैं, इसलिए सही तरीका उपवास का क्या है ये बताना लोगों को बहुत जरूरी था। वक्त ये कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थायराइड के लिए तो बताएंगे ही, जाते जाते सिंहासन करवा देते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। ये भी थायराइड के लिए रामबाण है।